अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें हमेशा खुश रहें। तो इस वक्त हो रहा है शाम का टाइम, कोई 2 बज रहे हैं ना। तो मैं जा रहा हूं साथ वाले चौक में, वो कुछ काम है। और आज मौसम जो है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश आ जाएगी। बस दुआ कर रहा हूँ कि बारिश आ जाए ना। काफ़ी दिन हो गए वैसे भी बारिश नहीं आई ना यहाँ पर, तो मैं सोच रहा हूँ कि काश बारिश आ जाए। साथ वाले चौक में जा रहा हूँ सिलेंडर भरवाने, ख़त्म हो गया था। तो आपकी भाभी ने कहा है कि सिलेंडर हो चुका है ख़त्म, भरवा के ला दें। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज अचानक से मौसम भी ख़राब हो गया है, तो उसमें सिलेंडर की बहुत ज़रूरत है। आज बारिश आ जाए। हाँ बारिश आ जाए अच्छी बात है, मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन हमें सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा सिलेंडर पहले से भरवा के रख लो, क्या पता बारिश आ जाए शाम में। हाँ वो समझ आ रहा हूँ। सो रही है? हाँ नहीं, कोई मैंने हिला के लाई नहीं हूँ और सिला रही हूँ। हाँ नहीं वैसे। अच्छा और क्या क्या लाना है मुझे बता दो। और क्या लाना है पकाने के लिए? तो कुछ नहीं लाना, वो तो आया हुआ है। चलो ठीक है, सिलेंडर भरवाना बस। हाँ सिलेंडर भरवाना बस। ओके अभी हम आए हुए हैं बाहर, फिर वो सिलेंडर वगैरह भरवा के आ गए हैं और फिर भी कर दिया है। पहले मौसम बहुत ही अच्छा था, अचानक से धूप होगी, लेकिन हम अभी बहुत ही प्यारा मौसम है। फिरोज़ अपने भांजे को खिला रहे हैं इस आम के नीचे, ये जो केरियाँ हैं ना वो इनसे खेल रहा है। कल हमारे घर कुछ प्रोग्राम था, तो मेरी जो बड़ी नंद है वो, उनकी फैमिली आई थी, तो बाकी फैमिली तो वापस चली गई थी लेकिन वो यहीं रुक गई और उनका छोटा सा बेटा भी। तो अभी फिरोज़ उसे लेके खड़े हैं, ये खड़े फिरोज़, ये रहे हमारे छोटे मामू की जान, ये रहे आम पे ना। तो ये लोग जा रहे हैं ना यहाँ से, तो मतलब ये काफी मुझे वो हो रहा है। और इसकी मम्मा ने बस तैयारी कर ली है, इसको भी तैयार कर दिया कि बस हम जा रहे हैं, बस वो धूप का इंतजार कर रही है कि घंटा और गुजरे और वो निकले। इसके जाने के बाद उदास होंगे बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये आपको पता है क्योंकि ये छोटा सा बच्चा होता है जब घर। कल से हमारे घर में 2 बच्चे थे तो रौनक ज्यादा लगी हुई थी, हानिया हो रही है, और आज थोड़ी कम हो जाएगी। सूरज देख रहे हैं ना इसको, हम ये देखो ये और ये मोहम्मद ऊपर चढ़ गए। ये इसको थोड़ा हम आज ना लास्ट डे है ना इसका हमारे घर, एक इसका लास्ट डे, दूसरा ये हम लोग बाहर आए थे वीडियो बनाने, तो ये अपने मामू को वो जो है चिपक गया, कह रहा था मुझे उठाओ और मुझे भी साथ लेके चलो। खड़े हुए थे ना, इसको पता चल गया पता नहीं कैसे बाहर जा रहे, तो इसने कहा मुझे भी लेके चलो, तो ये इसलिए हमारे साथ बाहर आ गया। नहीं तो वैसे ये आता है हमारे पास, लेकिन थोड़ा बहुत कम ही आता है। बारिश आ गया, दुआ करो बारिश आ गई, अल्लाह कभी आ जाए बारिश, मौसम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं आ रही, लग नहीं रहा कि आएगी बारिश। को आना चाहिए वैसे, आ जाए, अब हमारे हाथ में तो नहीं है, तो अल्लाह मियां की रहमत है, जब चाहे बरसे चले आ जाए तो अच्छी बात है। मोहम्मद दूसरी बात मैं आपको अगर बताऊं तो हमारे घर 2 दिन से लाइट भी नहीं है। जिस दिन मिंटू भाई आए थे ना उस दिन की लाइट हमारे पास मतलब है लेकिन कम है, मतलब पावर कम है। सुबह मैं 7 बजे चौक गया था ताकि इलेक्ट्रिशियन लेके आऊं और इसको ठीक करवाऊं, लेकिन वो भाई साहब कह रहे थे आपका कोई पीछे से मसला आ रहा है। तो हम अब ना इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा परेशान हैं, अब वापस जाना पड़ेगा वहाँ पर, उनको बोलना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर का इशू है ना, तो इस तरह से। सो ये दिन भी काट ही जाएंगे आखिर, अभी ये तो होता रहता है। और आज शाम को मैंने जाना है हमारे गांव में ही लड़का है एक, उसने हमारी की है अफ्तारी। 6:30 बजे मैं यहाँ से जाऊँगा और अफ्तार होता है कोई 5 मिनट कम 7 में से ना। أدنو إليه ساجدا بجبيني يقبل صلاتي وللصواب ديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين.
كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. अफ्तारी मैंने कर ली है और अब रात भी काफ़ी हो चुकी है पीछे, अभी जाएंगे हम घर को। बहुत मतलब लेट हो गया ना, गपशप करते रहे उनके साथ तो काफ़ी मतलब लेट हो गए हम, तो मैं भी बाइक पे बैठ चुका हूँ, चलेंगे सीधा घर। अफ्तारी मैंने कर ली थी वहीं पर, और जब मैं घर में आया तो बेगम ने बनाए थे आज पेय, तो पेय को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मैं खा के इसको छोड़ूंगा, तो ये चेक कीजिए आप, गरम गरम पाए। किसने बनाया थे, आपने बनाया थे या मम्मी ने बनाया थे? ये मम्मी ने बनाए थे। जरूर बताना है आप लोगों ने, लाजमी तो मैं कहता हूँ कि किस किस को पाए पसंद है। यकीन करें मैं हालांकि वहाँ से आपके सामने मैंने वहाँ से अफ्तारी की है, लेकिन उसके बावजूद जब पाए मेरे सामने आया ना तो मेरा पेट एकदम से खाली हो गया, तो मैं एक बार फिर खाने वाला हूँ खाना, थोड़ा सा खाऊंगा पेय टेस्ट करने के लिए, पेय का क्या ही मतलब स्वाद होता है माशाल्लाह। कैसे बने पाए? बात तो सीधी है, मैंने सच बताई कि मैंने नहीं बनाए, अम्मी ने बनाए। लाजवाब, जिस लफ्ज को लाजवाब कहते हैं ना, ये वो है। और स्पेशल बात ये है कि ये अम्मी जान के हाथ के बने हैं माशाल्लाह, बहुत ही लजीज। माँ के खाने का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, चाहे कोई जितना भी अच्छा बनाए खिला दे। बेशक, कोई शक नहीं इसमें, कोई नहीं। मैं तो खाता रहूंगा, तो और आप ऐसे देखते रहो। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पे हम करें खत्म, मेरे ख्याल से। जी हाँ बिल्कुल, तो आप लोगों से मिलेंगे कल एक ताज़ा नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।